देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। इंदौर में बुधवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकली। यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रथ पर सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। जन आशीर्वाद यात्रा ने इंदौर की 6 विधानसभा सीटों को कवर किया। यात्रा रव से शुरू होकर विधानसभा 4, विधानसभा 1, 3, 5 और 2 से गुजरी। जन आशीर्वाद यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2-2 घंटे रही। जन आशीर्वाद यात्रा राव विधानसभा से शुरू होने के बाद विधानसभा 4 होते हुए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में पहुंची। यहां पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के मल्हारगंज क्षेत्र में मोदी जी की नसिया के बाहर भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा विशाल मंच लगाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं जन आशीर्वाद यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी जितेंद्र रामनानी ने बताया कि व्यापारी प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष धीरज खंडेलवाल की अगुवाई में समस्त पदाधिकारियों एवं व्यापारी साथियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान प्रकोष्ठ की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पुष्पमाला एवं भगवा दुपट्टा भी पहनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मीडिया से कहा कि यात्रा और बीजेपी को जनता खुले मन से आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जनता हमारा परिवार है। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही व्यापारियों की पार्टी के नाम से जानी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही व्यापारियों को किसी प्रकार की कभी भी कोई समस्या नहीं आती है। बहुत संवेदनशील रहती है भारतीय जनता पार्टी अपने व्यापारियों के लिए। कहीं भी कोई भी स्थिति को देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, तब से व्यापारी पूरी तरीके से संतुष्ट और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज मंच कहां पर लगाकर स्वागत किया जा रहा है प्रकोष्ठ के पास? मल्हारगंज में मोदी जी की नसिया धर्मशाला के पास में। आपका परिचय दे? धीरज खंडेलवाल, संयोजक भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ इंदौर महा। का यही नारा है, विकास किया है और विकास करेंगे। भारतीय भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आदरणीय संयोजक श्री धीरज जी खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम सभी मंडल के पदाधिकारी एवं सह संयोजक यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी इंदौर के नगर के सभी व्यापारी संस्थाओं के प्रमुख सचिव और जो अध्यक्ष पदाधिकारी हमारे बीच में हैं, करीबन 70 संस्थाएँ हमारे और 70 संस्थाओं के पदाधिकारी में बीच में हैं। आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में शीघ्र ही उपस्थित होने वाले हैं, और हम व्यापारी पुनः आशीर्वाद के रूप में हम ये चाहते हैं कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री पुनः अपने पद ग्रहण करें मुख्यमंत्री रूप में, और अगला कार्यकाल भाजपा का हो और सुनहरा हो। आपका परिचय? मैं मीडिया प्रभारी जितेंद्र रामनानी। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।